बायट सेवर्ट्स लॉ में हमने दो एप्लीकेशंस की. बायट सेवर्ट लॉ की क्या मेन प्रॉब्लम थी कि वो आपको स्मॉल मैग्नेटिक फील्ड की वैल्यू देता है, आपको टोटल मैग्नेटिक फील्ड नहीं देता. टोटल मैग्नेटिक फील्ड के लिए हर बार आपको क्या करनी पड़ती है, इंटीग्रेशन. यही था. तो पहले आप स्मॉल मैग्नेटिक फील्ड निकालते हैं, फिर इंटीग्रेट करके डिपेंडिंग अपॉन द फिगर आप टोटल मैग्नेटिक फील्ड की वैल्यू को निकालते हैं. अब यहां पर क्या है, अगर सपोज करो मैं आपको एक फिगर देता हूं कि चलो आप मुझे बी निकाल के दिखाओ, बायट सेवर्ट लॉ लगाओ, मेरे को कोई प्रॉब्लम नहीं है. इसकी वजह से मान लो ये करंट कैरिंग वायर है, करंट कैरिंग वायर है, इसकी वजह से आप मुझे बी निकाल के दिखाओ कि इसके एक्सिस के ऊपर बी क्या होगा. ये क्वेश्चन है, ये क्वेश्चन है, एक्सिस के ऊपर बी क्या होगा. तो कितना मुश्किल है, क्योंकि बायट सेवर्ट लॉ स्मॉल एलिमेंट का बी निकालेगा, स्मॉल 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 एलिमेंट का निकालेगा, फिर इंटीग्रेट करोगे फिर आंसर आएगा. तो एक आसान तरीका नहीं है, बहुत जबरदस्त इंटीग्रेशन होगी इसमें. अगर मैं क्वेश्चन चेंज कर दूं और क्वेश्चन में कहूं कि इनफाइनाइट शीट है, एक थिक शीट है, इनफाइनाइट है, बहुत चलती जा रही है पीछे की तरफ, इस इनफाइनाइट शीट के अंदर करंट ही करंट है, इस शीट के आर डिस्टेंस ऊपर बी निकाल के दिखाओ क्या होगा, बी निकाल के दिखाओ क्या होगा, राइट. ये वैल्यू है. अब बायट सेवर्ट लॉ यहां पर काम करेगा तो बहुत मुश्किल हो जाएगी. स्मॉल स्मॉल एलिमेंट कितना शीट में क्या लोगे, बहुत मुश्किल है. तो इसके लिए हम क्या करेंगे, एक शॉर्टकट निकाल लेंगे, एक लॉ यूज करेंगे. उस लॉ का नाम है एम्पियर सर्किटल लॉ, जिसको ACL भी बोलते हैं. तो एम्पियर सर्किटल लॉ, ये काम जो इतना लंबा काम बायट सेवर्ट लॉ ने किया उसको चार लाइन में खत्म कर देगा. ये सब कॉम्प्लेक्स फिगर का भी बहुत इजीली निकाल देगा. बिल्कुल सेम उसी तरीके से जैसे इलेक्ट्रोस्टैट्स में गॉस थ्योरम की हेल्प से हम ई निकाला करते थे कॉम्प्लेक्स फिगर में, इस चैप्टर में हम बी निकालेंगे कॉम्प्लेक्स फिगर्स की, ठीक, करंट कैरिंग फिगर्स की. तो इसके लिए सीखते हैं एम्पियर सर्किटल लॉ. तो एम्पियर सर्किटल लॉ के अकॉर्डिंगली अगर सपोज करो आपके पास कोई भी एक मान लो करंट कैरिंग वायर है, ये मान लो करंट कैरिंग वायर है और इसमें कितना करंट है, इसमें आई करंट है. इस करंट कैरिंग वायर के आसपास सपोज कोई भी एक क्लोज्ड पाथ ले लो. देखो ये क्लोज्ड पाथ का चक्कर क्या है, जो क्लोज्ड पाथ है ये एक इमेजिनरी पाथ है. इस पॉइंट को समझो, जो क्लोज्ड पाथ है वो एक इमेजिनरी पाथ है. तो ये एक इमेजिनरी क्लोज्ड पाथ है. बिल्कुल उसी तरीके से जैसे इलेक्ट्रोस्टैट्स में इमेजिनरी क्लोज्ड गॉशियन सरफेस थी, स्फीयर या शेल की वजह से होता था, उसी तरीके से इसमें क्लोज्ड पाथ है. इमेजिनरी लेना है, छोटा लो बड़ा लो कैसे भी लो कोई फर्क नहीं, और चाहे गोल लो चाहे रेक्टेंगल लो चाहे स्क्वायर लो चाहे आर्बिट्ररी कोई भी पाथ ले लो, तब भी कोई चक्कर नहीं, कोई फर्क नहीं. तो क्लोज्ड पाथ लेना है. अब ये क्लोज्ड पाथ मैंने सर्कुलर लिया, अगर मैं ये कहूं कि मैग्नेटिक लाइंस ऑफ फोर्स ड्रॉ करो, तो थंब ऊपर की तरफ है, चार लाइनें ऐसे घूमेंगी, तो मैग्नेटिक लाइंस ऑफ फोर्स कैसे घूमेंगी, इन अ सर्कल. थंब ऊपर है, सर्कल. तो इसमें मैग्नेटिक लाइंस ऑफ फोर्स अगर मैं ड्रॉ करूं तो क्या बनेंगे, कंसेंट्रिक सर्कल्स ऐसे बनेंगे, ये देखो. और क्लोज्ड पाथ भी मैंने एग्जैक्टली ऐसे लिया. तो अगर मैं ये पूछूं कि अगर ये मेरे पास करंट कैरिंग वायर है आई, और ये मेरे पास क्या है, एक क्लोज्ड पाथ है, तो अगर मैं ये कहूं कि यहां पर मुझे ये बताओ कि बी की डायरेक्शन क्या होगी, बी वेक्टर कैसे होगा, तो आप थंब ऊपर लेंगे, बी वेक्टर कैसे होगा, इनसाइड होगा. तो बी वेक्टर इनसाइड होगा कुछ इस तरीके से, बी वेक्टर इनसाइड है, ठीक, बोर्ड के अंदर है. और अगर मैं इसका क्लोज पाथ का स्मॉल एलिमेंट लूं, और स्मॉल एलिमेंट क्या है, डीएल वेक्टर, डीएल वेक्टर स्मॉल एलिमेंट है, डीएल वेक्टर, ये रहा डीएल वेक्टर, वो भी कैसे है. अब डीएल वेक्टर अंदर भी हो सकता है और बाहर भी हो सकता है. आपने कहा लेना है जिस डायरेक्शन में बी है, चार फिंगर्स हैं उसी डायरेक्शन में डीएल लेना है. अगर आपका बी उल्टा होता बी वेक्टर डीएल वेक्टर बाहर आ जाता, तो क्योंकि करंट ऊपर है तो बी वेक्टर अंदर है तो डीएल वेक्टर भी अंदर है, राइट. तो आपने इसका स्मॉल एलिमेंट लिया, बिल्कुल वैसे जैसे इलेक्ट्रोस्टैट्स में गॉस थ्योरम में स्मॉल सरफेस एरिया डीएस लेते थे, इसमें क्या लेते हैं, स्मॉल एलिमेंट डीएल लेते हैं. इलेक्ट्रोस्टैट्स में गॉस थ्योरम क्या कहती थी, क्लोज्ड इंटीग्रेशन, याद है, क्लोज्ड इंटीग्रेशन ऑफ क्या, ई वेक्टर डॉट डीएस वेक्टर, यही था. और क्या थी गॉस थ्योरम, जो भी चार्ज इनसाइड है डिवाइडेड बाय एप्सिलॉन नॉट, कोई डाउट इसमें, ये स्टेप क्लियर है. ये लॉ कहता है एम्पियर सर्किटल लॉ, ये कहता है इसमें कि कोई भी क्लोज्ड पाथ जो आप लोगे करंट कैरिंग वायर के आसपास, वो क्लोज्ड पाथ का क्लोज इंटीग्रेशन निकालनी है आपने
e dot dl नहीं, e vector की जगह क्या use करेंगे, b vector. Dot ds vector नहीं, यहां पर क्या use करेंगे, dl vector. वहां electrostats में ds होता है, इसमें dl होता है, उसमें e होता है, इसमें b होता है, right? Clear है? तो अगर मैं इस closed path का b dot dl निकाल लूं, तो is will be equal to, इसमें यूज करते हैं epsilon naught, इसमें यूज करते हैं mu naught. इसमें क्या यूज करते थे कि कोई भी क्लोज सरफेस के अंदर कितना चार्ज है, इसमें क्या यूज करेंगे, क्लोज्ड पाथ के अंदर कितना करंट है, क्लोज्ड पाथ के रेड कलर की लाइन में अंदर कितना करंट है आई. ये है एम्पियर सर्किट लॉ, मेल खा रहा है इलेक्ट्रोस्टैट्स के गॉस थ्योरम के साथ, राइट. तो अकॉर्डिंग टू एम्पियर सर्किट लॉ हम ऐसा बोल सकते हैं, इसकी स्टेटमेंट इसका स्टेटमेंट प्रूव आएगा कि लाइन इंटेग्रल ऑफ जो इलेक्ट्रोस्टैट्स थी उसमें सरफेस वाइज इंटीग्रेशन थी, सरफेस इंटीग्रेशन थी, इसमें लाइन, लाइन का मतलब लेंथ वाइज, लाइन इंटीग्रल का मतलब लेंथ वाइज इंटीग्रेशन ऑफ मैग्नेटिक इंडक्शन, मैग्नेटिक फील्ड, मैग्नेटिक फील्ड स्ट्रेंथ, मैग्नेटिक इंडक्शन एक ही बात है, बी वेक्टर अराउंड एनी क्लोज्ड पाथ इन अ वैक्यूम इज इक्वल टू म्यू नॉट टाइम्स टोटल करंट थ्रेडिंग द क्लोज्ड पाथ. उस क्लोज्ड पाथ के अंदर कितना करंट है उससे मल्टीप्लाई कर दे, तो ये आपका एम्पियर सर्किटल लॉ है. तो क्या ये स्टेटमेंट क्लियर है यहां तक? तो स्टेटमेंट एनसीईआरटी की बुकलेट आपकी ओपन कर सकते हैं, एनसीईआरटी की बुकलेट ओपन करें तो ये आपका एम्पियर सर्किटल लॉ है. तो स्टेटमेंट लिख लेंगे. अब इसका अगर प्रूफ की बात करते हैं, प्रूफ ऑफ एम्पियर सर्किटल लॉ, प्रूफ ऑफ एम्पियर सर्किटल लॉ में वो कहेगा कि प्रूफ भी करके दिखाओ कि ये बात सही है गलत है. तो इसके लिए आप क्या करेंगे, एक करंट कैरिंग वायर लेंगे, ये करंट कैरिंग वायर, तो ये आपके करंट कैरिंग वायर है, मान लो करंट ऊपर की तरफ है, और करंट अगर ऊपर है तो थंब ऊपर है तो कैसे घूम रहे करंट, मान लो मैग्नेटिक फील्ड लाइंस ऑफ फोर्स कैसी हैं, ऐसी हैं. तो इस पॉइंट के अगर ऊपर आप बी वेक्टर लें तो बोर्ड के अंदर आएगा, और डीएल वेक्टर भी बोर्ड के अंदर आएगा, तो बी और डीएल में एंगल क्या बनेगा, जीरो. तो अगर आप इस क्लोज्ड पाथ का बी डॉट डीएल निकाल लें तो क्या बनेगा, बी डीएल कॉस जीरो. और इंटीग्रेशन करें तो इंटीग्रेशन ऑफ डीएल क्या बनेगा, डीएल 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 क्लोज पाथ का रेडियस क्या है, r, तो 2 पाई r, तो b into 2 पाई r. अब इनफाइनाइट वायर की वजह से r डिस्टेंस पे b की वैल्यू क्या होगी, म्यू नॉट बाय 4 पाई 2 i बाय r. तो b की वैल्यू आप पुट कर दें यहां पर, म्यू नॉट बाय 4 पाई 2 i बाय r into 2 पाई r, 2 पाई से 4 पाई, r से r कैंसिल, आंसर. ये प्रूव करना है कि क्लोज पाथ का b डॉट dl क्या होगा, म्यू नॉट टाइम्स. अब काफी लोग ये सोचते हैं कि ये थोड़ा आसान हो गया कि मैंने जान के क्लोज पाथ सर्कल लिया, सर्कल इसलिए लिया ताकि यहां 2 पाई आर आए, सर्कमफेरेंस 2 पाई से 4 पाई कैंसिल होकर आंसर आ जाए. अगर ये सर्कल ना हुआ फिर कैसे प्रूव होगा, ये सेम सिचुएशन है कि गॉस थ्योरम प्रूव करो जो मैंने एनसीईआरटी में कराया था कि क्लोज सरफेस एक शेल या स्फीयर ले लो, और आर्बिट्री मैंने कहा था कि वो सॉलिड एंगल से सुन लेना, इसमें नहीं कहूंगा, इसमें करवाऊंगा. तो इसका फिर से प्रूफ है एम्पियर सर्किटल लॉ का, फिर से ये करंट कैरिंग वायर ऊपर की तरफ है और इस बार क्लोज्ड पाथ सर्कल नहीं है, इस बार कोई भी टेढ़ा मेढ़ा आर्बिटरी पाथ है. तो आपको बी डॉट डीएल इस आर्बिटरी पाथ का निकालना है और एम्पियर सर्किटल लॉ को प्रूव करना है. तो आर्बिटरी पाथ में स्मॉल एलिमेंट है डीएल 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 डीएल, तो मान लो ये एलिमेंट है डीएल, इसने एंगल क्या बनाया, डी थीटा वन, डीएल टू ने डी थीटा टू, डीएल थ्री ने डी थीटा, एंड सो ऑन. यहां तक क्लियर है? रेडियस इसका आर वन है, इसका आर टू, इसका आर थ्री, एंड सो ऑन. हर का रेडियस भी इसमें डिफरेंट है क्योंकि एलिमेंट कोई पास है कोई दूर है, एंड सो ऑन. कोई एक सेक्टर ले लो, इस सेक्टर में एंगल इज आर्क बाय रेडियस, एंगल क्या है डी थीटा वन, आर्क क्या है डी एल वन, रेडियस क्या है आर, ये आर वन. ऐसी सेकेंड सेक्टर में डी थीटा टू डी एल टू बाय आर टू, एंड सो ऑन. और टोटल एंगल सेंटर पे क्या बनेगा, डी थीटा वन डी थीटा टू डी थीटा थ्री करके टोटल एंगल क्या बनना चाहिए, टोटल एंगल का सम इज इक्वल टू व्हाट, टू पाई. क्लियर है यहां तक? ऑनलाइन क्लियर है यहां तक? यस. ठीक है, यस सर. टोटल एंगल का सम 2 पाई है, ये आपने सामने रेशियो लिख लिया आपने. अब स्टार्ट करते हैं. तो बी डॉट डीएल अगर बनाना है तो पहले ये एलिमेंट लेंगे, मान लो इस करंट कैरिंग वायर ने यहां पर बी कितना लगाया, बी वन, और यहां पर क्या लगाया, बी टू, क्योंकि आर डिफरेंट है. तो यहां पर जो बी वन होगा तो आप क्या कैलकुलेट करेंगे, बी वन डॉट डीएल वन, अगले एलिमेंट में क्या कैलकुलेट करेंगे, बी टू वेक्टर डॉट डीएल टू, अगले में बी थ्री डॉट डीएल थ्री, एंड सो ऑन. जब ओपन करेंगे बी और डीएल में तो एंगल जीरो ही होता है क्योंकि मैग्नेटिक लाइन ऑफ फोर्स के साथ ही चलता है, तो बी डीएल में एंगल जीरो जीरो जीरो.
ठीक है, तो इसे ओपन करेंगे तो बी वन का फॉर्मूला इन फाइनाइट वायर का क्या होगा, म्यू नॉट बाय 4 पाई 2 I1 बाय 2 I बाय आर वन इंटू डी एल वन। सेकेंड पे क्या होगा, बी टू क्या होगा, म्यू नॉट बाय 4 पाई 2 I बाय आर टू इंटू डी एल टू एंड सो ऑन। कॉमन क्या आ गया, ये कॉमन आ गया, डी एल वन बाय आर वन, आर्क बाय रेडियस एंगल, आर्क बाय रेडियस एंगल, आर्क बाय रेडियस एंगल, टोटल एंगल का सम क्या है 2 पाई, कैंसिल करके अपने आप आंसर क्या आएगा, म्यू नॉट टाइम्स